मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से और मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य रखता हूं। माननीय पहले विषय है अभिभाषण में पैरा नंबर 30 पे माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बड़ा सुंदर विषय रखा है और मेरे लिए खासकर गर्व की विषय है। गर्व का विषय क्यों है? क्योंकि ओडिशा की बेटी आज राष्ट्रपति है, इसलिए ओडिशा का गर्व है, भारत का गर्व है, राष्ट्र का गर्व है, हम सब के लिए गर्व के विषय है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने बड़ा सुंदर से बोला है, अ मेजर अचीवमेंट ऑफ माय गवर्नमेंट हैज बीन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और नारी शक्ति के बारे में कहा है। बहुत खूबसूरत विषय है, मैं उनका समर्थन करता हूं उसमें। बट माननीय जब नारी शक्ति की बात आती है, कहीं ना कहीं मेरे हृदय में एक सवाल आता है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आज कहां है? आज इस सदन में क्यों नहीं है जब एक महिला राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में खड़ी है, आज वो सदन में क्यों नहीं है? 10 साल हो चुके हैं माननीय, और कितने साल चाहिए होंगे? क्या माननीय राष्ट्रपति जी पहली आदिवासी संप्रदाय से आती हुई राष्ट्रपति जी के होते हुए हम क्या महिला संरक्षण बिल को पारित नहीं कर सकते? ये एक सवाल है मेरे दिल में, मैं सोचता हूं सरकार के सामने वो मैं रखना चाहूंगा। और जब तक जब भी महिला संरक्षण बिल आएगा इस सदन में, बीजू जनता दल और मेरे नेता श्री नवीन पटनायक जी सामने खड़े होंगे उसको समर्थन में। ये वादा, ये आश्वासन मैं सदन को देता हूं बीजू जनता दल की तरफ से। दूसरा विषय पैराग्राफ 21, महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में, बहुत खूबसूरत विषय है। आई एम हैप्पी दैट माई गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इन लाइन विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। माननीय अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इतना अच्छा था, केंद्र सरकार ने इस साल क्यों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद कर दिया? अब आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो चल रहा है। मान्यवर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 5 किलो चावल का था, उसका नामकरण कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और जो 5 किलो ज्यादा दिया जा रहा था, टोटल 10 किलो, वो 5 किलो बंद कर दिया गया है। मान्यवर आज जब बोरी लेके एक गरीब आदमी जाता है और जब मांगेंगे वो 5 किलो की जगह पर बोलेंगे हमें 10 किलो दीजिए, क्या जवाब होगा? माननीय बीजू जनता दल की तरफ से और हमारे नेता नवीन पटनायक जी की तरफ से ये मांग हमारी रही है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को फिर से कार्यवाही किया जाए। माननीय अभी आते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के पैराग्राफ नंबर 65 पे। उन्होंने कहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ माई गवर्नमेंट ऑन एन एवरेज 11,000 हाउसेज वे बिल्ट एवरी डे फॉर द पुअर इन इंडिया अंडर द आवास योजना। बड़ी खूबसूरत योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। मान्यवर हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए। तो मान्यवर एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, उड़ीसा के 7 लाख लोग आज उससे वंचित क्यों हैं? आज उड़ीसा के 7 लाख लोग जो वेट कर रहे हैं, अपेक्षा में है कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा, कब मिलेगा? मान्यवर गरीबों का समर्थन नहीं होना चाहिए, गरीबों का विकास नहीं होना चाहिए? जो कहा है अच्छा कहा है, अगर हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए तब उड़ीसा के हर एक गरीब के सर पे छत होना चाहिए। और ये मांग बीजू जनता दल और माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की हमेशा रही है, और जब तक आखिरी छत ना लग जाए उड़ीसा में तब तक ये डिमांड हमारा चलता रहेगा। किसानों के विषय पे आते हैं, पैराग्राफ नंबर 25 में राष्ट्रपति जी ने बहुत सुंदर बोला है, 11 करोड़ स्मॉल फार्मर्स ऑफ द कंट्री आर ऑल्सो इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ माई गवर्नमेंट। किसानों के बारे में है, 1.5 गुना एमएसपी कहां गया? किसानों की आय दुगनी कहां गई? स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ? पैडी प्रोक्योरमेंट में मान्यवर आपको जानने आश्चर्य होगा, पार्बॉइल्ड राइस जो हम लोग खाते हैं वहां पर, उसका एफसीआई ने बिल्कुल बंद कर दिया है प्रोक्योरमेंट। फूड सब्सिडी में 14,000 करोड़ का अभी भी फूड सब्सिडी में पेंडिंग है। यह वास्तविकता है मान्यवर। हम जरूर अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहते हैं, बट वास्तविकताओं के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, ओडिशा जैसे राज्य के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, और ये हमारी मांग रही है किसानों के बारे में। अभी हम आते हैं आदिवासी भाई बहनों के बारे में। महामहिम राष्ट्रपति जी ओडिशा से आती हैं, आदिवासी हमारी बहन है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है।
और उन्होंने बहुत खूबसूरत से पैराग्राफ नंबर 26 में कहा, माय गवर्नमेंट हैज टेकन अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस फॉर द प्राइड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। बहुत खूबसूरत विषय है माननीय, बट पिछले 40 सालों से 169 कम्युनिटीज उड़ीसा में आज भी इंतजार कर रहे हैं कब उनको एसटी लिस्ट में उड़ीसा के शामिल किया जाएगा। यह मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा इस सरकार या उस सरकार पे, 40 साल में कई सरकारें आई कई सरकारें गई, क्या ये 169 कम्युनिटीज 169 संप्रदाय जो है ट्राइबल के हक से जो है वंचित है क्या उनको नहीं मिलना चाहिए माननीय? ये जबकि रेकमेंड कई बार हो चुका है, ये कई बार चर्चा आलोचना हो चुकी है माननीय। आदिवासी संप्रदाय के हमारे भाई बहन उड़ीसा में हो मुंडारी और भूमिज भाषाओं में बात करते हैं, पिछले 15-20 सालों से कंसिस्टेंटली डिमांड रही है कि उनको एक शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाए। माननीय साल के बाद साल आ रहा है, चर्चों के बाद चर्चे आ रहे हैं, मगर आज हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए अगर हम हृदय रोता है तो हो मुंडारी और भूमिज भाषा जैसे संथाली भाषा को आपने एक शेड्यूल में दिया उनको क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए माननीय। माननीय केंदू लीफ के ऊपर 18% जीएसटी लगाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे इसको हटाइए, क्योंकि जो केंदू पत्ता उठाने जाता है वो गरीब जो है, वो आदिवासी भाई बहन जो है उसके पास मूलधन कुछ नहीं होता, वो केंदू पत्ते से अपना गुजारा करता है। 18% जीएसटी अब लगाने के बाद उसके पास क्या रहेगा माननीय? क्या ये एक मुद्दा नहीं है? इस पर सोचने की आवश्यकता है और मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आवेग है इस पर किया जाए। माननीय मेरे पास बात चार और स्पीकर्स हैं, समय कम है, मैं इतना कह के खत्म करूंगा कि उड़ीसा इस पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जिसके कोयले से यह पूरे देश जो है चमकता है, जिसके खनिज से यह पूरा देश आगे बढ़ता है, जिसके 20,000 करोड़ रेलवे हर साल देने से रेलवे को आमदनी बढ़ती है। हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी डिमांड कर रहे हैं कि ओडिशा को स्पेशल फोकस स्टेट का दर्जा दिया जाए। इसका मतलब क्या है? साइक्लोन आता है तो हमारे घर टूटते हैं, हमारे खेत खलियान टूटते हैं, तो 3 साल के लिए जब से साइक्लोन आए या कोई भी विपत्ति आए 3 साल के लिए 90-10 का जो शेयरिंग पैटर्न है उसमें दीजिए, 60-40, 50-50 में मत दीजिए। ये मौलिक विषय है, 8 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपके सामने निवेदन रखता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी का तो अभिभाषण हम लोग सब समर्थन कर रहे हैं, हमारी ओडिशा की बेटी है हमारे लिए गर्व का विषय है, बट साथ में ओडिशा का विकास और हर राज्य का विकास इस देश का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।